हेलो मैम, हाउ आर यू? मैम, एक्चुअली मेरे को ना थायराइड है, तो आई कैन नॉट लूज वेट. ये मैं क्या करूँ कि मैं वेट लॉस कर पाऊँ? दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज यही बताऊँगी कि हम डाइट से थायराइड पेशेंट स्पेशली वेट लॉस कैसे करें. अब मैं आपको बताऊंगी कि थायराइड ग्लैंड की माल फंक्शनिंग, जिसको हम नॉर्मली हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, उसमें होता क्या है. बेसिकली थायराइड एक बहुत ही बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड है, जो कि हमारे एंटीरियर नेक के बिहाइंड मिलता है. एंड व्हाट हैपेंस, दिस इज़ द ग्लैंड दैट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर BMR, द बेसल मेटाबॉलिक रेट. सो व्हाट हैपेंस व्हेन अ पर्सन कम्स कि मैम वी कैन नॉट लूज वेट विद दिस थायराइड, व्हाट हैपेंस एक्चुअली कि आपका मेटाबॉलिज्म रेट 10 to 20% has lowered down than a normal person, and that is the reason कि आप वेट गेन करते हैं. सो बेसिक फीचर्स आपके क्या हैं थायराइड में? वेट गेन, फिटीक, बहुत ही टायर्ड आप फील करेंगे, यू फील डिप्रेस्ड, आपको ठंड ज़्यादा लगती है, आपकी स्किन में ड्राइनेस होना, बाल झड़ना, एंड इन सम केसेस इनफर्टिलिटी. ये भी इश्यूज हमें थायराइड पेशेंट्स में मिलते हैं. बट अब हमें जानना क्या है कि डाइट का क्या रोल है थायराइड डिजीज़ में वेट लॉस के लिए और थायराइड को ठीक करने के लिए. अब मैं आपको द थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स जो हमें वेट लॉस में यूज़ करने चाहिए, स्पेशली फॉर द थायराइड पेशेंट्स, वो बताने लगी हूँ. प्रोटीन्स, हाउ टू यूज़ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स शुड बी टेकन इन योर ब्रेकफस्ट, इन योर लंच, एंड मे बी टिल इवनिंग्स, नॉट इन योर डिनर. बिकॉज वॉट हैपन्स, जो डिनर होता है वो हमें लाइटेस्ट रखना चाहिए, एंड प्रोटीन्स आर हार्डेस्ट टू डाइजेस्ट. सो आपने जब भी प्रोटीन लेना है, मे बी इट इज एग्स, चिकन, दाल्स, आप उसको लंच में लें, ब्रेकफस्ट में लें, स्प्राउट्स आप इवनिंग्स में ले लें, बट डिनर्स में कीप इट वेरी लाइट डिनर. ओके, नाउ सेकेंड टिप, फाइबर. फाइबर आजकल नो डाउट हम फ्रूट्स में भी हमें मिलता है, सैलड्स में मिलता है, बहुत ही सुपर फूड्स के फॉर्म में भी मिलता है. वन टाइप इज़ गोंद कतीरा, स्पेशली दिस इज़ कॉल्ड अ गम. तो व्हाट हैपेंस, इट्स एन इनसॉल्युबल गम एंड इट कीप्स यू फुल. इसको आप गर्मियों में ज़रूर यूज़ करें. आपने सुना होगा कई पेशेंट्स रात को ईसबगोल लेते हैं. रात को दूध में एक चम्मच ईसबगोल, इट सर्व्स एज द पर्पस ऑफ अ फाइबर, इसको यूज़ करें. बहुत ही कॉमन अवेलेबल हो चुका है आजकल चिया सीड्स मिलना. चिया सीड्स को आप मिड मॉर्निंग में कोकोनट वाटर या बटर मिल्क में मिक्स करके आप कभी भी ले सकते हैं. नाउ द थर्ड अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमें थायराइड पेशेंट्स को क्या नहीं खाना चाहिए. नाउ थायराइड पेशेंट्स को स्पेशली क्रूसीफेरी फैमिली के जो वेजिटेबल्स हैं वो नहीं खाने चाहिए. वाई? बिकॉज दे आर गोइट्रोजेनिक. नाउ वॉट इज दिस गोइट्रोजेनिक? गोइट्रोजेनिक फूड्स आर द फूड्स दैट बेसिकली इंटरफेयर विद योर थायरॉयड हॉर्मोन सिंथेसिस. अगर थायरॉयड हॉर्मोन के सिंथेसिस में ही प्रॉब्लम आएगी तो आपका थायरॉयड ग्लैंड हील नहीं होगा. सो ये नहीं कि बिल्कुल भी ना खाएं, बट येस, उसकी क्वान्टिटी शुड बी वेरी वेरी मिनिमल इन योर डाइट. नाउ वॉट आर दीज फूड्स? आर ब्रिजल स्प्राउट्स, योर काले, योर समटाइम्स स्पिनच ऑल्सो, नाउ कैबेज, ब्रोकली, दीज आर ऑल द क्रूसीफेरी वेजिटेबल्स. इसको आप थोड़ा सा अवॉइड करें. एज यू नो कि हमारा जो BMR है दैट इज़ वेरी वेरी लो इन थायरॉयड पेशेंट्स, ये मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था. अब इस BMR को राइज हम कैसे करें? दैट इज़ थ्रू अ डेली एक्सरसाइज. इफ़ अ नॉर्मल पेशेंट नीड्स 40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, देन अ थायरॉयड पेशेंट नीड्स 60 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज. Equally, you need to have enough of water and good sleep, and few deep breathing exercises would be really beneficial for you. Now friends, I'm sure jo aapka ye myth tha ki being a thyroid person you cannot lose weight has been broken. Ye jo tips hain hum clinically apne clinic mein practice kar rahe hain, and lots of patients lose weight by following these things. I'm sure you can be also one of them. अगर आप कुछ और डिस्कस करना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स है, आप उसमें अपने कमेंट्स लीव कर दीजिए, हम पक्का रिवर्ट करेंगे.
यू कैन राइट अस एन ई मेल जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा ई मेल आई डी पता चल जाएगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सुकून फिजिकल थेरेपी की वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड जितना हो सके हेल्थ को प्रमोट करें.